नमस्कार दोस्तों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन और दिल लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। किसी ने सही कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसले से उड़ान होती है। तो आज का टॉपिक हम लिए हैं हिंदी के प्रथम कवि और मानने वाले विद्वान। हिंदी साहित्य का इतिहास कईयों विद्वानों ने लिखा है और कई विद्वानों ने अलग अलग हिंदी के कवि को माना है। तो आइए दोस्तों, हम आज इसी पर चर्चा करेंगे कि कौन से विद्वान ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आइए बताते हैं। सबसे पहले आए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने प्रथम कवि राजा मुंज को माना। राजा मुंज को प्रथम कवि माना। इनका समय है दोस्तों दसवीं शताब्दी के कवि हैं और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इनको प्रथम कवि माना। वहीं आते हैं गार्सा द तासी। ये फ्रेंच के विद्वान हैं। फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था इन्होंने। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम कवि अंगद को माना है। कौन है? अंगद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनका समय दोस्तों है सातवीं शताब्दी के कवि हैं। फिर आते हैं गृहर्षण ने अपने इतिहास ग्रंथ में प्रथम कवि पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। जिनका समय है दोस्तों सातवीं शताब्दी। फिर आते हैं मिश्रबंधु मिश्रबंधुओं ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वह मिश्रबंध विनोद नाम से लिखा। यह तीन भाई थे। तीनों भाई ने मिलकर के लमसम हिंदी के 5000 कवियों का वर्णन दिया है। लेकिन आजकल का जो समय है, भाई भाई में इतना द्वेष है कि एक भाई को अगर एक पन्ना लिखेगा दूसरा भाई आके फाड़ देगा। लेकिन देखिए, उस समय के ऐसी प्रेम था, सामंजस्य था। न तीनों भाइयों ने मिलकर के एक हिंदी साहित्य का कई पुस्तक लिखी उन्होंने। तीनों भाइयों ने मिलकर के बहुत अच्छी बुक लिखी जो है मिश्रबंध विनोद। इन्होंने प्रथम कवि पुष्य या पुष्पदंत को ही माना है। समय इनकी सातवीं शताब्दी दोस्तों। फिर है आते हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक एक इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने भी इन्हीं को ही हिंदी का प्रथम कवि माना। किसको? पुष्य या पुष्पदंत को। इनका समय है दोस्तों सातवीं शताब्दी। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ गए। आचार्य राम चंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कवि माना है चंद्रवरदाई को।
चंद्रदायिक माना है, यानी कि जो रचना है पृथ्वी राज रासो उसको महाकाव्य माना है, इनको महाकवि और उनकी इनकी रचना को महाकाव्य माना है। फिर है राहुल संकृतायन, राहुल संकृतायन राहुल संकृतायन जी ने सरप्पा को माना है, सरप्पा को माना है, इनका समय है 8वीं शताब्दी। गणपति चंद्रगुप्त आते हैं, फिर विद्वान है गणपति गणपति चंद गुप्त, इन्होंने प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है, अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। फिर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने ही अब्दुल रहमान का को ही अब्दुल रहमान को ही हिंदी का प्रथम कवि माना है, जिनका समय है 12वीं शताब्दी। तो दोस्तों हो गए हिंदी के प्रथम कवि और मानने वाले विद्वान, लेकिन सर्वमति के अनुसार जो सर्वमति है, जो सभी विद्वानों का मत है, सरहप्पा को ही मानते हैं, लेकिन सरहप्पा की जो रचना है दोहा कोश, इसे हिंदी का पहला रचना नहीं माना जाता। बड़ी विडम्बना की बात है कि इनको प्रथम कवि तो माना गया सरहप्पा को, लेकिन की जो रचना है दोहा कोश, इसे प्रथम रचना न मान करके देवसेन की रचना श्रावकाचार्य को माना जाता है हिंदी की प्रथम रचना, जिसे श्रावक धर्म का उसमें 250 दोहे हैं, श्रावक धर्म के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया 250 में, उसे हिंदी का प्रथम रचना माना जाता है। तो ये हो गए जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, यहाँ तो निश्चित है कि एक नंबर तो मिलना है पक, इसमें कोई कहीं से कटने वाला नहीं है। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, जब अंत तक देखेंगे तब जाके वह निर्णय मिलेगा कि हाँ क्या सही क्या गलत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं एक मिनट देखेंगे दो मिनट देखेंगे वीडियो को छोड़ देते हैं आगे बढ़ जाते हैं। और जितने कक्षा 10 के छात्र हैं, इंटर वाले छात्र हैं, 12 वाले छात्र हैं, वह अभी से प्रैक्टिस सेट लगाना प्रारंभ कर दें, और जहाँ गलतियाँ हो रही हैं, चाहे हमारे विद्यालय के छात्र हो चाहे किसी भी विद्यालय के छात्र हो, अपने गुरुजन से अपने अध्यापक से मिल करके, जहाँ कमी रह जहाँ नहीं आ रहा है उनसे मिल करके उसको जानने का प्रयास करें। प्रैक्टिस ही मनुष्य को पूर्ण बनाने का काम करता है। जितना ही अभ्यास करेंगे आप लोग, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप उस क्षेत्र में निपुण होंगे, जानकार होंगे। फिर मिलेंगे आप दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन और दिल लगाकर पढ़ाई करिए।